नमस्कार, शब्दों की खेती में आपका स्वागत है। रविवार को हम टहलते हैं व्यंग्य विनोद की क्यारी में। आज इस क्यारी के नए पुष्प का शीर्षक है बिग बॉस का घर। बिग बॉस का घर, ये संसार बिग बॉस का घर है। लोग उसे भगवान के नाम से जानते हैं। लोगों को उम्मीद है कि वो उनके जायज या नाजायज टाइप के सारे काम एक दिन जरूर करवा दे। इसलिए अपनी किसी भी तरह की तकलीफ का इजहार करने के लिए वे कन्फेशन रूम में जाना या उसके दरबार में हाजिरी लगाना या उसकी खिदमत में चढ़ावा चढ़ाना नहीं भूलते। वे जानते हैं कि यहां भाग्य सबको कर्म के हिसाब से फल देता है। भाग्य शब्द भाग से बना है, भाग यानी हिस्सा। टाइम से हिस्सा मिलने पर ऐसा लगता है कि वो मेहरबान है और सबको देता है, या देर होने पर कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये भी कहते सुना है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। कुछ किताबों में मानव देह दुर्लभ मानी जाती है, वो सेलिब्रिटीज के लिए ही संभव है। ऐरा गहरा नत्थू खैरा बिग बॉस के घर के बारे में नहीं सोच सकता, जहां एक ही छत के नीचे कई तरह के रिश्तों के साथ समय बिताना पड़ता है। तो रिश्ते भी तो शायद सबकी किस्मत में ही लिखे होते हैं, जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। जिसके साथ रहना पड़ता है उसका स्वभाव भी सहना पड़ता है। घर में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है। पहले अस्तित्व के लिए संघर्ष, फिर संघर्ष के लिए संघर्ष, जहां तनकर खड़े होने के लिए पैसे या पोजीशन की बजाय रीढ़ की हड्डी ज्यादा जरूरी होती है। आज आप जब मेट्रो में घुसते हैं तो वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से बहुत कम ऐसे खुशनसीब होते हैं जो घुसते ही बैठ गए थे। ज्यादातर लोगों को काफी देर खड़े रहने के बाद ही बैठने की जगह मिलती। इसी तरह बड़े बड़े संस्थानों में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग भी जब वहां आए थे तब उनके भावहीन चेहरे देखने लायक थे। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले ज्यादा नहीं होते। आम आदमी अगर आज किसी खास पोजीशन में है तो वहां तक वो ऐसे ही नहीं पहुंचा होता है। उसके पीछे उसकी लगन होती है, मेहनत होती है। वो सिर्फ परिस्थितियों से ही नहीं जूझता, मनस्थितियों को भी झेलता है, इसलिए बिग बॉस के घर में रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए। नए वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।